अब अब आ रही है अब आ रही रही है है वॉइस वॉइस आप आप लोगों को हे गाइस वेरी गुड गुड वाला मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ एस एससी वाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी और जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली सुबह सात बजे करंट अफेयर का एक बहुत प्यारा सा सेशन होता है हम लोगों का तो जैसे क्रेजी हैं इसके अलावा जैसे सोनू हैं डॉली हैं इसके अलावा जैसे श्रेया हमारे साथ है सौरभ है भानु है प्रेरणा अभिषेक हैं अरुण है पूजा है इसके अलावा जैसे खालिदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो अब आ जाओ है ना अब आवाज़ आ, आ रही है ना अब पढ़ लो ठीक है मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला मैंने सिर्फ इतना बोला था कि मात्र क्वेश्चन पढ़ने भर से आप क्या कर सकते हैं आप आंसर कर सकते हैं ठीक है परेशानियाँ आती रहती हैं परेशान नहीं होना है शुरुआत से शुरू कर देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है हाँ जी पार्ट ऑफ लाइफ है और निपटना जो है वो अपना आर्ट ऑफ लाइफ है ठीक है आओ देखो सबसे पहले बात करते हैं भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन शुरू करने और सक्षम करने वाली भारत में पहली कंपनी कौन सी बन गई है एबिक्स कैश है इसके अलावा जैसे पेटीएम है फोन पे है गूगल पे है आप जानते हैं इस समय जी की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है अपने प्यारे भारत के पास है अगर मैं आपसे कहूँ ग्रुप ऑफ ट्वेंटी है ना जी कौन से नंबर की प्रेसिडेंसी भारत के पास है तो एटींथ वाली नंबर की यानी जी ट्वेंटी के जितने भी सबमिट होने हैं तो ये कहां पर होंगे तो आप जानेंगे भारत में होंगे अब जाहिर सी बात है जब जी ट्वेंटी के समिट जी ट्वेंटी के सम्मेलन अलग अलग मीटिंग्स होनी है है ना आप ये भी बोल सकते हैं कि अलग अलग क्या होनी है अलग अलग मीटिंग्स होनी है तो जाहिर सी बात है कि विदेशों से भी तो लोग आएंगे तो अब ये जो विदेशों से लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी करेंसी जो है वो अपना जो भारतीय रुपया है उसमें बदल करके भारत में ही लेन देन करेंगे वो कुछ ना कुछ तो ठीक है तो इन विदेशियों के लिए है ना अभी के लिए केवल क्या है तो अभी के लिए जो जी ट्वेंटी वाले हमारे जो गेस्ट उनके लिए इस सर्विस को क्या किया जा रहा है शुरू किया जा रहा है यानी वो इसके माध्यम से अपनी करेंसी को बदल सकते हैं इंडियन रुपए में है ना अपने भारतीय रुपया में ठीक है तो भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेनदेन शुरू करने और सक्षम करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है तो ये बन गई है एबिक्स कैश यानी करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या बनेगा ऑप्शन है सभी का गलत था ना जितने लोग आंसर कर रहे हैं भाई सभी का गलत था ध्यान से देखो एबिक्स कैश अगर हम बात करते हैं तो चौदह फरवरी को कहा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अंतिम घोषणा के बाद जी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन को क्या करेगी सक्षम करेगी ठीक है तो यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जी शिखर सम्मेलन है ना जी ट्वेंटी सबमिट जो होने वाला है तो जी ट्वेंटी सबमिट के दौरान भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई लेन देन को सक्षम करेगी फोन पे वालों की भैंस तो ऑलरेडी पानी में चली गई है ना हाँ पहला ही क्वेश्चन गलत कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन भी जी से रिलेटेड ही है ध्यान से देखो जी ट्वेंटी की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक 22 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित होगी और ये कहाँ पर आयोजित होने वाली है तो ध्यान से देखिएगा खजुराहो एमपी है कोलकाता वेस्ट बंगाल है तिरुअनंतपुरम केरला है या गुवाहाटी असम है किसको लेकर के बात हो रही है कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग की बात हो रही है ना फर्स्ट कल्चरल ग्रुप मीटिंग फर्स्ट कल्चरल ग्रुप मीटिंग कब से कब तक आयोजित होगी तो 22 से लेकर के 25 फरवरी तक है ना 22 से लेकर के 25 फरवरी तक तो आंसर आपका क्या है कोलकाता आंसर दे रहे हैं कुछ लोग इसमें से हाँ। चलो तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा खजुराहो जितने लोग आंसर कर रहे हैं कोलकाता की अगर आप बात करते हैं तो फर्स्ट फाइनेंशियल इंक्लूजिंग जो मीटिंग हुई थी वो कोलकाता में हुई थी अच्छा हेल्थ से रिलेटेड जब आप मीटिंग मीटिंग की आ, की बात करते हैं तो वो कहां पर होती है तो वो होती है आप लोगों की तिरुवनंतपुरम में ठीक है तो ध्यान से देखो हाँ एक बार फिर से देख लो जैसे कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना कोलकाता का नाम जब आएगा तो First meeting on the Global Partnership for Financial Inclusion. हेल्थ की बात जब होती है तो तिरुवनंतपुरम का नाम आएगा एजुकेशन की जब बात होगी तो एजुकेशन की बात होगी तो चेन्नई इसका आंसर क्या बनेगा बिल्कुल ठीक बनेगा साथ ही में अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंशियल मीटिंग ये गुवाहाटी में और इसके अलावा अगर आप बात करोगे फर्स्ट फाइनेंशियल आर्किटेक्चर मीटिंग ये कहाँ पर बनेगी तो ये बनेगी आप लोगों की चंडीगढ़ में है ना कहाँ पर तो चंडीगढ़ में आज का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना जी ट्वेंटी वाला तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी लिख रहे होंगे कहीं ना कहीं है ना जी ट्वेंटी वाला तो आप लोग ऑलरेडी लिख रहे होंगे ऐसा मेरे को लगता है मेरे को मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि लास्ट के दिसंबर में जाते जाते जी ट्वेंटी एक ऐसा मुद्दा बनेगा कि जो ना तुम्हारे समझ में आएगा ना तुम्हारे दोस्त के और पड़ोसी के तो बात ही अलग है ठीक है तो कोशिश करिएगा कि जी ट्वेंटी को आप साथ में लेकर के चले जहाँ जहाँ अब तक जितनी चीज़ें लिखी है वहीं वहीं चीज़ों को ऐड करते जाएं ठीक है हाँ मैम आप ऐसे ही बोलती हैं क्या नहीं मैं मे, एक्चुअल में मेरी आवाज़ ऐसी ही है है ना चीज़ें थोड़ी सी अटक जाती हैं लेकिन अभी थोड़ा सा स्टार्ट ही किया ना तो रिदम बन जाएगा स्लो स्लो है न ठीक है तुम्हें कॉन्टेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को याद करवाने की रिस्पांसिबिलिटी मेरी है परेशान मत होना बस तुम बस थोड़ा सा कॉपरेट करो तुम थोड़ा सा साथ दो बाकी चीज़ें रटाने की और चीज़ें याद कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ मेरी है ठीक है अब कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि हम अटक अटक के बोलते हैं तो वो चीज़ है शुरुआत से है, तो उस चीज़ को एकदम से नहीं बदल सकते ना और वो एकदम से हो भी नहीं रही है मेरे से है ना कोशिश बहुत करते हैं लेकिन नहीं हो पा रही है चीज़ें चलो आगे चलते हैं टाटा ग्रुप की एविएशन एयर इंडिया है ना सबसे बड़ी बात तो किसकी हो जाएगी एयर इंडिया की अगर हम बात करेंगे एयर इंडिया अच्छा इस एयर इंडिया ने एक बहुत बड़ा काम किया है यानी आप ये बोल सकते हैं विश्व स्तर पर बहुत बड़ा काम है ये ध्यान से देखो टाटा ग्रुप की एविएशन कंपनी है अच्छा एयर इंडिया को खरीद लिया था किसने खरीद लिया था तो आप आंसर क्या देंगे मैम टाटा ग्रुप ने टाटा ग्रुप ने ठीक है टाटा ग्रुप ने किसको एयर इंडिया को चार एयरक्राफ्ट ये खरीद रहा है चार एयरक्राफ्ट 470 एयरक्राफ्ट ये खरीद रहा है और ये दुनिया की सबसे बड़ी अब तक की एविएशन डील है ठीक है अच्छा भारत के साथ साथ तीन अन्य देश की सरकारें इसमें शामिल हैं। अच्छा अन्य देश की सरकारों से मतलब क्या होता है तो हम ये जो डील कर रहे हैं इसमें शामिल देश जो हैं वो कौन कौन से हैं बस आपको इतना बताना है फ्रांस है अमेरिका है और ब्रिटेन है ऑस्ट्रेलिया है जापान है और यूनाइटेड स्टेट है इसराइल है इसराइल है इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं यू यानी संयुक्त अरब अमीरात की और इसके बाद हो जाएगा आप लोगों का अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ठीक है अफगानिस्तान है भूटान है और क्या हो जाएगा मालदीव ठीक है आंसर आ रहा है किसी का इसमें से हम्म देखो एक बात आप सभी ध्यान रखिएगा जैसे मैं बात करूं बांग्लादेश है इंडिया है पाकिस्तान है है ना बांग्लादेश बांग्लादेश पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान अपना प्यारा भारत है ना तो कितने हो गए इंडिया साथ ही में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक हो जाएगा नेपाल और एक हो जाएगा श्रीलंका श्रीलंका ध्यान से देखो फटाफट से है ना पांच आठ हो गए हैं टोटल अगर आप देखोगे बांग्लादेश है पाकिस्तान है इंडिया है नेपाल है श्रीलंका है अफगानिस्तान है भूटान है और मालदीव है ना तो आठ देशों का समूह है कोई बता सकता है किस में ये आठों के आठों देश जो है वो आपके शामिल हैं तो आंसर आपका क्या बनेगा मैम ये जो आपने आठ कंट्रीज लिखी हैं ये तो सार्क की कंट्रीज है ना है ना ये तो सार्क के मेंबर्स हो गए आठ के आठ पक्का ठीक है अच्छा बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया जापान और यूनाइटेड स्टेट है ना ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका प्लस अपना प्यारा भारत इंडिया को इसमें ऐड कर लो तो ये कौन सी कंट्रीज बन जाएंगी तो ये बन जाएंगी क्वाड है ना याद करो क्यू यू ए डी और ये जो क्वाड कंट्रीज है इनके बीच एक्सरसाइज होती है जिसको हम कहते हैं मालाबार एक्सरसाइज अच्छा एक ऑप्शन और आप लोगों के लिए मैंने ऐड किया है देखो ध्यान से इसराइल है यूनाइटेड स्टेट अगर हम बात करें यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त तो अरब अमीरात और एक हो जाएगा आपका अमेरिका प्लस इसमें हम अपने इंडिया को क्या कर लें ऐड कर लें प्लस अपना प्यारा भारत अब ये चार देश किस में शामिल है तो आपको याद है अमेरिका ने ग्रुप क्रिएट किया था जिसका नाम था आई टू यू टू है ना एक ग्रुप क्रिएट किया था जिसका नाम था आई टू यू टू तो आई टू यू टू में ये कितने मेंबर हो जाएंगे तो ये चार मेंबर हो जाएंगे इसराइल संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका इंडिया आई टू यू टू ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका प्लस अपना प्यारा भारत क्वाड में साथ ही में आप देखोगे बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया नेपाल श्रीलंका अफगानिस्तान भूटान और मालदीव किसके सदस्य हैं सार्क के तो एक ऑप्शन बचता है जिसका नाम क्या बनेगा फ्रांस है अमेरिका है और ब्रिटेन है यानी ये तीन देश इस समय शामिल हैं ठीक है मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर चीजों को समझने में आसानी होगी क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि टाटा ग्रुप की एविएशन कंपनी है एयर इंडिया सबसे बड़ी बात तो एयर इंडिया का नाम आप सभी को याद रखना है कितने एयरक्राफ्ट खरीद रहा है 470। अब ये जो 470 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं ये आ कहाँ से रहे है? तो ये तीन देशों से आ रहे हैं तीन देश कौन कौन से होंगे तो फ्रांस है अमेरिका है और ब्रिटेन है ठीक है फ्रांस है अमेरिका है और ब्रिटेन है आगे चलें आगे बढ़ें चलिए अब ध्यान से देखिएगा चीजों को जैसे एयर इंडिया को अगर हम बात करें तो एयर इंडिया ठीक है एयर इंडिया को फ्रांस की कंपनी एयरबस है ना आपसे पूछा जाएगा एयरबस कहाँ की कंपनी है तो फ्रांस की कंपनी है तो एयर इंडिया को फ्रांस की कंपनी एयरबस से 225 एयरक्राफ्ट और अमेरिकी कंपनी है बोइंग है ना जैसे रॉयल्स रॉयस आपसे पूछा था जब हम लोग राफेल लेकर के आए थे तो वो कहाँ की कंपनी थी फ्रांस की ठीक है तो ठीक इसी तरीके से एयरबस बस कहाँ का हो जाएगा फ्रांस का और बोइंग की अगर हम बात करते हैं तो ये अमेरिकी कंपनी है इससे हम कितने विमान खरीद रहे हैं 220 विमान खरीद रहे हैं अच्छा इनका जो इंजन है वो हम कहाँ से लेकर के आ रहे हैं तो वो आएगा फ्रांस से ठीक है तो एयरबस के विमानों के लिए इंजन ये ब्रिटेन की कंपनी रॉयल्स रॉयस से मिलने वाले हैं आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सर ये जॉय को ब्लॉक करो ठीक है हाँ यूपी की कैपिटल चेंज हो गई है कौन कह रहा है भाई नाम चेंज होने की बात चल रही है कि लक्ष्मणपुर उसका नाम जो है वो रखा जाएगा क्योंकि लखनऊ का पुराना नाम लक्ष्मणपुर था ठीक है तो जस्ट केवल नाम चेंज की बात चल रही है कैपिटल के कैपिटल चेंज करने की बात नहीं चल रही और ये ऐसे लोग इनसे मेरे को सख्त नफरत है क्लास में कि जो चल रहा है उसको छोड़ करके कहीं और जाते हैं ना, ये वो वाली बात होती है कि जो तुम्हारे पास है तुम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो जो तुमसे बहुत दूर है तुम उसके पीछे 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 भाग रहे हो है ना चाहे तुम्हारी वैल्यू उसके सामने जीरो हो जाए ठीक है तो इतमान से पढ़िए क्लास का रूल यही है आप सात दिन पढ़ेंगे आठवें दिन खुद ब खुद आप कहेंगे कि नहीं मैम आदत हो गई आपकी क्लास की ठीक है हाँ तो बेटे सीधी सी बात है आप छत्तीस बार कॉपी पेस्ट करेंगे तब भी मैं नहीं देखूंगी आंसर मैं उसी का दूंगी जिसको मुझे देना होगा ठीक है तो कोई मतलब नहीं है घूचू बोलते हैं अरे भानु बेटे आओ हाँ अब मोहम्मद कह रहे एक बार और बताओ बेटा पहले तुम्हारा ध्यान कहाँ था हैं तो बातें बाद में कर लिया करो बहुत जरूरी जो आपको बातें करनी है है ना फिर बाद में आप परेशान होते हैं मैम मैं ऐसा नहीं किया मैम मैं वैसा नहीं किया फिर आप फिर बहाने बनते हैं छत्तीस एक ही लाइन को एक ही शब्द को सच में इतना मजाक बनता है मेरा कि ये एक चीज़ को दस बार बोलती है लेकिन तुम बनवाते हो क्योंकि तुम एक बार में समझते ही नहीं हो चीज़ों को छोड़ो खैर आगे बढ़े आगे बढ़े अब जैसे ये शमिता परेशान हो रही है है ना क्योंकि शमिता पढ़ी लिखी हैं आप और आप नहीं इवन ब्रह्मास्त्र वाले बाकी सब पढ़े लिखे हैं आपने अपना प्लानर देखा था प्लानर के अकॉर्डिंग मेरी क्लास बीस को है मेरे से पहले और भी सेशंस हो रहे हैं बाकी टीचर्स के है ना तो अकॉर्डिंग टू प्लानर मेरी क्लास बीस बीस फरवरी को है फिर गलती टीचर की हो जाती है अब अगर आप पढ़ाने देंगे तो मैं पढ़ाऊंगी ठीक है सीधी सी बात है क्लास को बंद करने में समय नहीं लगेगा ठीक है तो पढ़ लो इतमान से चलो खैर क्वेश्चन मेरा यह था कि टाटा ग्रुप की एविएशन कंपनी एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट खरीदने की दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील में भारत के साथ साथ तीन अन्य देश की सरकारें कौन कौन सी शामिल है तो फ्रांस है अमेरिका है और ब्रिटेन है आपको याद है ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका प्लस अगर हम इंडिया को एड कर लेंगे तो ये क्वाड की कंट्रीज हो जाएंगी अच्छा इंडिया है इसराइल है यूए है और अगर हम बात करेंगे अमेरिका की तो इनको मिलाकर के एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम है आई आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इसके साथ बात करते हैं हम लोग तो ध्यान से देखिएगा अफगानिस्तान भूटान और मालदीव है ना बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया नेपाल श्रीलंका ये सारी सार्क कंट्रीज हो जाएंगी मैंने कहा था एयर इंडिया को फ्रांस की कंपनी एयरबेस से 250 एयरक्राफ्ट और अमेरिकी कंपनी बोइंग से 220 एयरक्राफ्ट जो है वो मिलने हैं एयरबेस के विमानों के लिए इंजन ये ब्रिटेन की कंपनी रॉयल्स रॉयस से आने हैं अच्छा इसमें शामिल कौन कौन था तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा देखो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमानुअल मैक्रो और एविएशन मिनिस्टर इस समय हमारे कौन है तो

ठीक है 2025 तक ये जो 470 एयरक्राफ्ट है अच्छा फिर एक दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए कि मैम हमने किसी का रिकॉर्ड भी तो तोड़ा होगा तो हमने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है तो ध्यान से देखिएगा कि एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में इससे पहले सबसे बड़ी डील का रिकॉर्ड अमेरिकन एयरलाइंस के पास था और जब आप अमेरिकन एयरलाइंस की बात करते हैं तो उसने दो में चार पैसेंजर विमान खरीदने के लिए ऑर्डर बोइंग कंपनी को दिया ठीक है तो बस ये याद रखिएगा कि हम लोगों ने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है अमेरिकन एयरलाइंस का हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी रोड टनल के निर्माण को मंजूरी दी है ये कहाँ पर बनेगी कुल मिला के आपने पढ़ा था कि सबसे ऊंची मोटरेबल रोड 19300 फीट की ऊंचाई पर बनी थी लद्दाख में है ना उन्नीस तीन सौ फीट की ऊंचाई पर बनी सर ये सच्चिदानंद को भी ब्लॉक करो ठीक है चलो तो केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी रोड टनल के निर्माण को मंजूरी दी है तो लद्दाख है उत्तराखंड है जम्मू कश्मीर है या फिर आंसर क्या बनेगा हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा शिकुला पास या फिर इसका नाम क्या बनेगा शिंकूला दर्रा भी आप बोल सकते हैं शिंकूला शिंकुला पास है ना इस पर ये क्या बनेगी और इसको नाम भी क्या दिया गया है शिंकुला टनल इसको नाम दिया गया है लंबाई कितनी होगी तो 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी लंबाई 4.1 किलोमीटर है ना 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है अच्छा ये कंप्लीट कब तक हो जाएगी तो ये याद रखिएगा कि वर्ष 2025 तक ये बन करके क्या हो जाएगी तैयार हो जाएगी है ना सोलह पाँच ये याद रखिएगा सोलह पाँच मीटर की ये क्या हो जाएगी ऊंचाई पर अच्छा जब भी कभी आप ये ऊंचाई देखते हैं तो ये ऊंचाई किससे होती है आप जब कभी किसी रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं तो उस पर लिखा होता है ना समुद्र तल से ऊंचाई ना ऐसा ही कुछ देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई तो इसकी भी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होगी 16580 मीटर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि ये किस प्रोजेक्ट के तहत बन रही है तो प्रोजेक्ट याद रखिएगा प्रोजेक्ट या फिर हम बात करें योजना कि किस योजना के तहत ये बन रही है तो ये याद रखिएगा योजक, योजक वाई ओ जे ए के, है ना कितना याद रखोगे सिर्फ इतना याद रखना कि योजक जैसे सबसे ऊंची जो मोटरेबल सड़क बनी थी वो बनी थी प्रोजेक्ट हिमांक के तहत है ना ठीक उसी तरीके से ये किसके थ्रू बन रही है तो प्रोजेक्ट योजक के तहत बन रही है ठीक ये इतनी सारी चीजें तो समझ में आ गई अच्छा इसका निर्माण जो करवाया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है ये आप मुझे बता सकते हैं हाँ ये जो टनल आप बोल रहे हैं है ना ये जो टनल आप बोल रहे हैं इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है आप ये बता सकते हैं मेरे को थोड़ा सा ठीक है किसके द्वारा बीआरओ के द्वारा है ना तो ये जो निर्माण करवाया जा रहा है वो किसके द्वारा बीआरओ के द्वारा यानी अगर हम बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 7 मई 1960 7 मई 1960 हेड क्वार्टर कहां पर बनेगा इसका तो याद रखिएगा दिल्ली दिल ली और इस समय हेड कौन हो जाएंगे बी आर ओ के तो राजीव चौधरी का नाम आप सभी ने पढ़ा होगा राजीव चौधरी है ना राजीव चौधरी तो इतनी चीजें आप लोगों को यहां से क्या रख लेनी है याद रख लेनी है आगे चले अच्छा दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल अगर आपसे पूछ ले दुनिया की सबसे लंबी दुनिया की सबसे लंबी दुनिया की सबसे लंबी सबसे लंबी हाईवे टनल है ना अगर हम बात करते हैं किसको लेकर के तो हाईवे टनल की हाईवे टनल तो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल अगर आपसे पूछे तो आंसर आप लोगों का क्या बनेगा तो ये हो जाएगी अटल टनल अटल टनल है ना अटल टनल कितनी लंबाई है तो नाइन पॉइंट जीरो टू किलोमीटर याद है किसी को और ये अटल टनल हो कहाँ पर जाएगी आप लोगों की जरा आंसर करिएगा हाँ, ये जो अटल टनल आपको देखने को मिलेगी ये कहाँ पर देखने को मिलेगी ठीक है कहाँ पर देखने को मिलेगी एक क्वेश्चन और आपका एग्जामिनर पूछता है भाई कि ये जो बी है ये आता किसके अंतर्गत है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आएगा और ये बी वही है बी है ना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भूटान बी एच यू टी ए एन भूटान प्रोजेक्ट दंतक पी आर ओ जे ई सी टी प्रोजेक्ट डी ए एन टी ए के प्रोजेक्ट दंतक पहली बार किसी फीमेल ऑफिसर को जो है वो बाहर भेजा था नाम क्या था सुरभि एस यू आर बी एच ई -E, सुरभि मोला, जख मोला याद है किसी को सुरभि जख मोला ठीक है सर जस्सी को भी ब्लॉक करो चलो आगे बढ़े हाँ तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा प्रोजेक्ट दंतक बी आर ओ जितने लोगों का आंसर है आगे चले हम्म चलिए तो आप सभी जानते हैं कि इस समय लद्दाख के एल भी तो बदल गए थे हाँ जी तो अगर हम बात करते हैं लद्दाख को लेकर ले अच्छा के लद्दाख को लेकर के एल ए डी ए के एच है ना एल एल एडीएच है ना लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बदल गए हैं याद है किसी को इनका नाम आंसर क्या बनेगा बी डी मिश्रा बी डी मिश्रा बी डी मिश्रा लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि आप आंसर करें कि इस समय हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के है ना हिमाचल प्रदेश के जो आ, बोल सकते हैं गवर्नर हैं वो कौन बने हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर क्योंकि ये जो अटल टनल है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी तो ये देखने को मिलेगी एच यानी हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्कू ये इस समय सीएम है सुखविंदर सुखविंदर सिंह सिंह सुक्कू सुखविंदर सिंह सुक्कू ये इस समय सीएम है शिव प्रसाद शुक्ला पक्का है ना शिव प्रसाद शुक्ला बिल्कुल एकदम ठीक कहा जिनका आंसर आ चुका है शिव प्रसाद शिव प्रसाद शुक्ला शिव प्रसाद शुक्ला चलिए आंसर आपका आंसर क्या आ गया शिव प्रसाद शुक्ला चलिए आगे बढ़े है ना तो इतनी चीजें हैं ये सारी चीजें तुमको मैंने लिखवाई है तो आप लिख ले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग जब तक अच्छा एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनेगा कि लद्दाख के इस समय अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी तो बदल गए थे तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा श्री जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह है ना इनको क्या बनाया गया है तो इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है हाईकोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख फिर मैंने सच्चिनानंद अब रुक जाओ है ना अब रुक जाओ बहुत देर हो गई है तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका कोई तुक था नहीं वैसे रुक जाओ मैं पहले एडिटर दो या तीन से ज्यादा बार जिसको कॉपी पेस्ट हो आगे बढ़ो वहीं से करना चलो ध्यान से देखो चीजों को थोड़ा सा क्योंकि ऐसे ये क्लास लाइन पे नहीं आने की और ऐसे तुम सुधरने के भी ना हो ठीक है मेरे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं दूसरा कि मैं इस क्लास को सुधार पाऊं हम लोग यहां पर थे थोड़ा सा तो ध्यान से देखिएगा चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा देखो श्री जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह हैं। इनको आ, चीफ जस्टिस बनाया गया है कहाँ का तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का और लद्दाख हाईकोर्ट का सोनिया गिरिधर गोखणी का नाम आप लोग याद रखिएगा ठीक है इनको अगर हम बात करेंगे तो चीफ जस्टिस बनाया गया है कहाँ का तो अरे अब आ रही है अब आ रही है अब आ रही है आ जाओ तुम लोग किस्मत 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 देखो कुछ नहीं बोला मैंने सिर्फ इतना बोला है कि जो लोग क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा पढ़ लें दो हमारे पास वैसे ही समय कम है सीख रहे हैं हम बस चीज़ों को आप पहले से सीखे सिखाए होंगे आपको ऑलरेडी बहुत कुछ आता होगा आप बहुत बड़े पोस्ट पर भी इस समय होंगे लेकिन हम लोग बहुत छोटे हैं तो हमें हमारे हिसाब से पढ़ लेने दीजिए और पढ़ा लेने दीजिए बस यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे ठीक है चलो आगे चलें आगे बलें बढ़ें अब आ रही है वॉइस विशाल पढ़ ले है ना बेटा सांस ले ले आ जा चलो क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं बोला आप लोगों को कल से कमेंट ही नहीं देखने बिना कमेंट के कल से ठीक है ध्यान से देखो क्वेश्चन बस कुछ नहीं था बस एक छोटा सा क्वेश्चन था वो ये था कि अगर मैं आपसे कहूं कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी रोड टनल के निर्माण को मंजूरी दी है मतलब कहाँ पर दी है तो लद्दाख में अच्छा किस दर्रे पर तो शंकुला पास आप बोल सकते हैं इसको नाम दिया गया शंकुला टनल ठीक है अच्छा इसकी लंबाई कितनी है 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है तो अस्सी मीटर इसकी ऊंचाई है कब तक बन करके तैयार हो जाएगी 2025 तक ये बन करके क्या हो जाएगी तैयार हो जाएगी ठीक है इसके बाद कुछ नहीं बताया बस ये चीफ जस्टिस बताएं जो तुम पढ़ लेना एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर है देखो क्वेश्चन क्या रहा है नमामि गंगे मिशन दो को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बाईस पाँच सौ करोड़ है ना बाईस हजार पाँच सौ करोड़ रुपए के बजटीय परिवह के साथ किस वर्ष तक लागू करने की मंजूरी दी गई है तो दो हजार चौबीस तक दो हजार पच्चीस तक या फिर दो हजार अट्ठाईस तक बस ये याद रखना कि दो हजार पाँच सौ करोड़ है ना कितना हो जाएगा बाईस हजार पाँच सौ करोड़ बाईस हजार पाँच सौ करोड़ रुपए ये दिए गए हैं किसके लिए तो नमामि गंगे मिशन के लिए नमामि गंगे मिशन के लिए ठीक है आप लोगों ने नमामि गंगे मिशन का फर्स्ट फेज देखा होगा 2014 से लेकर के 2021 तक 2021 तक अब इसका सेकंड वाला फेज जो है ये स्टार्ट किया गया है कितने पैसे के साथ तो 22,500 करोड़ रुपए के साथ उद्देश्य क्या हो जाएगा तो गंगा मैया की सफाई यानी गंगा नदी की सफाई गंगा नदी की सफाई आप जानते हैं कि गंगा इतनी लंबी है और भारत में इतने स्टेट में जो है वो फैली है तो समय तो लगेगा ठीक है आगे चले आगे बढ़ें हाँ जी तो कुल मिला के आप ये याद रखना बस है ना गंगा एक्शन प्लान जो है ये 1985 का है ठीक है गंगा एक्शन प्लान गंगा एक्शन प्लान ये आपके एग्जाम में पूछा गया था तो ये कब का होगा ये होगा वर्ष 1985 का ठीक है तो 2024 से चौबीस है 26 है है या फिर 2028 तक है तो हम लोगों ने टारगेट कब तक का रखा है तो हम लोगों ने टारगेट रखा है 2026 तक का ठीक है हाँ कुछ नहीं बस गंगा को क्लीन करने के लिए ठीक है और ये बजट वाला जो अमाउंट है बस ये आप लोग याद रखिएगा ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन और है मेरे मन में जैसे साठ हजार करोड़ रुपए जो है वो किसके लिए दिए गए हैं तो मनरेगा के लिए लेकिन तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इतना ही याद रख लें इतना काफी है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग तो देखो कल मैंने आप लोगों को बताया था एक अभियान है ना मास ड्रग एडमिनि ट्रक्शन है ना मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रक्शन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है तो इसको एक बार आप देख लेना फाइलेरिया रोग की अगर हम बात करते हैं हाथी पाँव है ना पच्चीस आंसर दिया था क्या किसी ने अरे दो बिल्कुल ठीक है है ना तो इसको खत्म करने का टारगेट हमारा कब तक का है तो 2027 का है आप ये याद रखिएगा कि टीबी हारेगा देश जीतेगा है ना याद है किसी को टीबी हारेगा यानी टीबी को खत्म करने का टारगेट हम लोगों ने कब तक रखा है टीबी हारेगा देश जीतेगा देश जीतेगा ठीक है ये टारगेट हमने कब तक का सेट किया है तो दो तक का अच्छा भारत मलेरिया से फ्री हो जाएगा कब तक फ्री होगा तो 2030 तक ये सब छोड़ो हमने ये क्या कहा है कि हम हर घर क्या पहुंचा देंगे हम हर घर जल पहुंचा देंगे कब तक तो 2024 तक ठीक है और टाइगर की संख्या डबल करने का जो टारगेट था वो कब तक का था तो वो था 2022 तक तो इतनी चीजें आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी है एक क्वेश्चन मैंने और कराया था सरकार ने पीएम कुसुम योजना को बढ़ा दिया और ये कब तक के लिए बढ़ा दिया है तो पीएम कुसुम योजना इसको भी एक्सटेंड किया गया है मार्च 2026 तक मार्च 2026 तक इसको क्या किया गया है इसको एक्सटेंड किया गया है ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों और 46 सीमावर्ती ब्लॉकों के साथ कितने राज्यों में चलाया जाएगा बस इतना याद रखना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ना कुछ याद ना रखिएगा वाइब्रेंट वाइब्रेंट विलेज विलेज प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो इसको यूनियन टेरिटरी की अगर आप बात करेंगे लद्दाख यूनियन टेरिटरी की अगर आप बात करोगे तो यूनियन टेरिटरी में लद्दाख है लेकिन स्टेट आप लोगों को बताने हैं कि स्टेट कौन कौन से हो जाएंगे जैसे मैं लिखूं हिमाचल प्रदेश दूसरे पे मैं लिखूं उत्तराखंड अच्छा यूके का मतलब यहां पर क्या होएगा उत्तराखंड होएगा है ना इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक होगा सिक्किम 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 के साथ ही होगा अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश तो आंसर जिनका तीन आया है तो तीन किस हिसाब से आया है मुझे ये नहीं पता ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा मुझे तो फोर दिख रहे हैं आपको तीन दिख रहा है तो ये गलती आंखों की है ठीक है तो ध्यान से देखिएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों और 19 जिलों और 46 सीमावर्ती ब्लॉकों के साथ कितने राज्यों के साथ तो चार राज्यों के साथ शुरू किया जाएगा हिमाचल प्रदेश यूके है सिक्किम है अरुणाचल प्रदेश ठीक है अब ये प्रोग्राम है क्या सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करना देखो केंद्रीय कैबिनेट की के सिक्योरिटी कमेटी ने 15 फरवरी 2023 को उत्तरी सीमावर्ती इलाके जितने भी हैं आपके अगर आप बात करोगे जो नॉर्दर्न बॉर्डर वाले जो एरियाज होते हैं उनके लिए इसको शुरू किया गया है ठीक है तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसके लिए शुरू किया गया है तो जो नॉर्दर्न बॉर्डर वाले जो एरियाज हैं जो इलाके हैं वहां के लिए शुरू किया क्योंकि लोग अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर जा रहे थे क्योंकि चीजें डेवलप नहीं थी तो कुल मिला करके इन वाले एरिया को डेवलप करना इसका मेन उद्देश्य है ठीक है और कुछ खास उसमें है नहीं तो देखो केंद्रीय कैबिनेट के कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी ने 15 फरवरी 2023 को उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है ठीक है अब ध्यान से देखो वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर के कब से कब तक है ना फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर के कब तक चलेगा ये तो 2025-26 तक ये चलेगा इसको स्पेशली याद रखना ठीक है इतना रुपया हम लोग खर्च करने वाले हैं तो रुपया खर्च होएगा कितना चार हजार आठ सौ करोड़ रुपए अच्छा मेन उद्देश्य क्या हो जाएगा यहां से चीजें और क्लियर हो जाएंगी देखो इसके तहत सभी मौसमों के अनुकूल सड़क बनेगी रोड ठीक है पानी जो है उसकी सुविधा सभी तक पहुंचे साथ ही में 24 घंटे आपको क्या मिले आपको या तो सोर एनर्जी मिले या फिर पवन ऊर्जा मिले ठीक है इसके साथ ही मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी है पर्यटक केंद्र है बहु सेंटर तथा स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर के विकास पर इसमें क्या दिया जाएगा इसमें जोर दिया जाएगा और वो जो अभी आप लोगों ने शिंकुला पास पर जो टनल पड़ी थी उसका भी मेन उद्देश्य क्या था तो कैसा भी मौसम हो कैसा भी वेदर हो सेना के लिए चीजों को क्या किया जा सके आसान किया जा सके ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़े बिल्कुल भाई डन है देखो किस देश की टीम ने टी ट्वेंटी वन टेस्ट आ, टेस्ट वनडे और टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट रैंकिंग में नंबर वन पायदान हासिल कर लिया है हालांकि अब नंबर वन पर वापस ऑस्ट्रेलिया आ गए इंडिया सेकंड पर चली गई है लेकिन हमारे लिए एक बार ये थोड़ा सा जरूरी है कि देख लेना ये रैंकिंग तो बदलती रहेगी लेकिन एक बार इंडिया फर्स्ट पर आ चुका है तो पढ़ना हमारे लिए बनता है ठीक है लेकिन मेन मेरे को जो था वो था आईसीसी वाला पार्ट आप लोगों का है ना वो करवाना तो ये आप याद रखिएगा अपना प्यारा भारत ठीक है अपना प्यारा भारत देखो अब हम लोग बात करते हैं किसको लेकर के तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आईसीसी को लेकर के आपका एग्जामिनर बार बार पूछता है ठीक है आपका एग्जामिनर जो है वो बार बार चीज़ों को पूछता है तो थोड़ा सा देखो जैसे फॉर्मेशन कब किया जाता है इसका तो फॉर्मेशन होता है इसका 15 जून 1909 सौ नौ को हेडक्वाटर की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा दुबई में लेकिन जो इसके चेयरमैन है वो ऑलरेडी आपने कई बार पढ़ा हुआ आई सी के जो चेयरमैन है वो है ग्रेक बर्कले लेकिन ग्रेक बर्कले बिलोंग कहाँ से करते हैं तो ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से लेकिन यहाँ के जो सी हैं इनका नाम क्या होगा जॉब अर्लाडिस है ना और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से ठीक है अच्छा मेंबर कितने हो जाएंगे तो 108 इसमें क्या है 108 इसमें मेंबर है कल मैंने एक नाम आपको पढ़ाया था ग्रेस स्क्रीवेंस का याद है किसी को नाम ग्रेस स्क्रीवेंस का नाम इसको आईसीसी ने ही प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है जनवरी के लिए है ना आईसीसी ने इन्हें जनवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है अगर अपने यहाँ की बात करूँ मैं मेल में है ना ये तो फीमेल में हो जाएंगी ये तो फीमेल में हो जाएंगी अगर आपसे मेल के बारे में पूछा जाए तो जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है शुभमन गिल है ना हाँ जी शुभ शुभ मन गिले के होंगे इंडिया के लेकिन ये कहां से बिलोंग करती हैं तो ये बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से ठीक है एक क्वेश्चन और है कि इस देश के आशिफ शेख को 2022 के लिए आईसीसी स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो ये कहाँ के हैं आंसर करो हाँ, आज जनता पार्टी नहीं दिख रही आज सारे के सारे कहां चले गए गए गा, गायब हो सारे सारे के सारे? हाँ, नेपाल के चलो तो जिनका आंसर आ चुका है नेपाल बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है जो लोग आंसर कर रहे हैं नेपाल यानी तुम्हें चीजें याद है अच्छा इसके अलावा 2022 हजार बाईस टी क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये, ये कौन बने हैं तो सूर्य कुमार यादव इंडिया के फिर हमने पढ़ा था 2022 मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बैन स्टॉक और बैन स्टॉक है इंग्लैंड के इसके बाद है 2022 मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये बने हैं बाबर आजम और बाबर आजम कहां से बिलोंग करते हैं तो ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा करी है वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक की बात हो रही है वर्ल्ड बैंक ठीक है 1944 में इसकी स्थापना हो जाएगी हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और इस समय मालपस है ना डेविड मालपस ये क्या हो जाएंगे ये इसके हेड हो जाएंगे आप जानते हैं कि इंडिया ने भी ऑपरेशन शुरू किया है तुर्की सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त वर्ल्ड बैंक ने कहा है हम भी इतना पैसा देंगे कितने पैसे देंगे तो बिल्कुल याद रखिएगा 1.78 अरब डॉलर या फिर 1.78 बिलियन ठीक हाँ जी अस्ताना में आयोजित दसवीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की रैंकिंग क्या रही है थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ है या फिर हम बात करें सिक्स है अच्छा सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं अस्ताना अस्ताना क्या है तो अस्ताना कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान ठीक है कजाकिस्तान की क्या हो जाएगी ये कैपिटल हो जाएगी ठीक है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इसकी क्या होती है स्थापना होती है है ना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से आगे चलें एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना किसको लेकर के एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ना तो इसको अगर आप देखोगे तो 2018 में भी इसका जो आयोजन मतलब 2018 में जो टॉप पर था वो कजाकिस्तान था है ना लास्ट टाइम इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था 2018 में ठीक है कजाकिस्तान उस समय टॉप पर था 2020 में इसका आयोजन होना था कहाँ पर चाइना में लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया इसलिए इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है 2023 और 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है अस्ताना अस्ताना और अस्ताना कैपिटल है किसकी तो कजाकिस्तान की कैपिटल है अपने प्यारे भारत की जो रैंकिंग रही है आंसर इसमें से फोर्थ आ रहा है किसी का है ना फोर्थ कैसे आंसर दे रहे हो भाई पहले पे तो जापान है दूसरे पर कजाकिस्तान है है ना फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट पर तो जापान है सेकेंड पर हो जाएगा कजाकिस्तान कजाकिस्तान है ना कजाकिस्तान साथ ही में थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पर हो जाएगा कतर ठीक है लेकिन फोर्थ कैसे आंसर आया ठीक है तो आंसर आप लोगों का क्या बन रहा है इसमें से भाई जितने लोगों का आंसर आ रहा है इसमें से सिक्स वाला है ना आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन डी वाला यानी सिक्स बिल्कुल ठीक है दो साल के अंतराल पर इसका क्या किया जाता है आयोजन किया जाता है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ठीक है तो इंडिया की रैंकिंग क्या रही है सिक्स और सिक्स कैसे रही है तो देखो फर्स्ट प्लेस पे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट पर जापान हो जाएगा सेकंड की अगर आप बात करते हैं तो सेकंड पर कजाकिस्तान हो जाएगा और थर्ड की अगर आप बात करोगे तो थर्ड पर हो जाएगा कौन कतर ठीक है वहीं अगर आप बात करोगे फोर्थ को लेकर के तो फोर्थ पर रहा है सी फोर चाइना ठीक है फिफ्थ की अगर आप बात करोगे तो फिफ्थ पर रहा है उज्बेकिस्तान ठीक है और अगर हम सिक्स्थ की बात करते हैं तो सिक्स पर कौन रहा है अपना इंडिया है ना प्यारा भारत कितने मेडल के साथ तो आठ मेडल के साथ एक गोल्ड है है ना गोल्ड किन्होंने दिया है भाई तो ये आप आंसर करेंगे छह इसमें क्या हो जाएंगे छह है सिल्वर सिल्वर और एक हो जाएगा इसमें ब्रॉन्ज है है ना ठीक आगे चलें तेजिंदर पाल सिंह है ना तेजिंदर पाल सिंह डिस्कस थ्रो से इनका संबंध है और इन्होंने ही यही क्या लेकर के यही गोल्ड लेकर के आए हैं अच्छा आपने एशिया फुटबॉल कप के बारे में सुना होगा एशिया फुटबॉल फुटबॉल कप 2023 ये आयोजित किया जाएगा कहां पर तो ये आयोजित किया जाएगा कतर में ठीक है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया फुटबॉल कप 2027 है ना 2027 याद है किसी को 2027 इसको कौन होस्ट करेगा तो सऊदी अरेबिया ठीक है चलो तेजिंदर पाल सिंह आगे चले हाँ 2027 में कौन तो 2027 में सऊदी अरेबिया आगे चलते साउथ अफ्रीका किसने आंसर दिया भाई बेटा साउथ अफ्रीका नहीं है सऊदी अरब है अरे भाई सऊदी अरब है सऊदी अरब आगे चले नेक्स्ट की तरफ बढ़े चलिएगा आगे चलते हैं ये एक मेरे से बच्चा कह रहा था मैम आपने ग्रेबियल जो चक्रवात है ये आपने छोड़वा दिया तो मैंने कहा चलो ठीक है देखो ग्रेबियल चक्रवात के कारण किस देश की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया है तो अगर हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी तो यू है जापान है सिंगापुर है न्यूजीलैंड है है ना अब न्यूजीलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये आंसर आप लोग करेंगे आपने आईसी सी टी वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ा होगा तो मेरा आप सभी से सवाल है आईसीसी मेंस मेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इसको न्यूजीलैंड भी होस्ट करेगा किसी और देश के साथ है ना लेकिन न्यूजीलैंड कब होस्ट करेगा बस इतना सा क्वेश्चन है हिपकिंस है ना क्रिप्स हिपकिंस आप लोगों का आंसर जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है जिनका आंसर आ रहा है हिपकिंस ठीक है चलो आंसर करो आईसीसी मेंस हाँ ये ग्रेबियल चक्रवात न्यूजीलैंड बहुत पुराना हो गया तुमको ऑलरेडी पता है लेकिन उसके बावजूद आईसीसी मेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ये कब होस्ट करेगा एक सिंगल बच्चा जिसका आंसर आ जाए ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके गोलू के आंसर को ज़रा रोका जाए हाँ जी गोलू के आंसर को रोका जाए मैम ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड कब होस्ट करेंगे हाँ गोलू प्रवीण 2028 चलिए तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा आप लोगों का 2028 इसीलिए करते हैं इतनी सारी चीजें है ना जो तुमको डेली पढ़ा रहे थे आईसी मेंस टी ट्वेंटी कर नहीं पाते आंसर तुम बिना पूछे बेटे देखो 2022 की अगर आप बात करते हो तो आप में से कोई कहेगा इंग्लैंड आप लोगों ने पढ़ा था ठीक है 24 की बात करोगे यूएस और वेस्ट इंडीज है 26 में अपना प्यारा भारत और श्रीलंका है 28 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है और 2030 में इंग्लैंड आयरलैंड और स्कॉटलैंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अच्छा साइलो साइक्लॉन चितरंग भी आया था क्या नाम इसका जो दिया था वो थाईलैंड ने दिया था अम्फान की बात करेंगे तो नाम थाईलैंड ने दिया था निसर्ग की बात करोगे तो बांग्लादेश ने नाम दिया है यास की अरे ये इन देशों में नहीं आए किस देश ने नाम दिया है मैं जस्ट आपको वो बता रही हूँ ठीक है साइक्लोन यास की अगर आप बात करोगे तो ओमान ने नाम दिया है गुल आब गुल आब गुलाब ये नाम दिया था पाकिस्तान ने अच्छा शाहीन की अगर हम बात करते हैं तो कतर ने और जवाद का आपने सुना होगा तो सऊदी अरब ने साथ ही में साइक्लोन आसानी ये नाम दिया है श्रीलंका ने और साइक्लोन अगर हम तोकाते की बात करेंगे तोकाते का मतलब होता है रेंगती हुई चिपकली ठीक है तो तोकाते नाम किसने दिया है तो ये नाम दिया गया है म्यांमार के द्वारा ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक क्वेश्चन और है समावेशी डिजिटल सेवाओं की थीम के साथ हार जिंगर 2023 परिवर्तन के लिए नवाचार नामक अपने दूसरे वैश्विक हैकेथॉन पहला वाला जो था ये नवंबर 2021 में था ये मैंने शायद पढ़ाया भी था हार बिंजर या हार बिंगर ठीक है तो ये एक हैकेथन है और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है आरबीआई एसबीआई वर्ल्ड बैंक या आई है ना इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ठीक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने लोगों का आंसर आ रहा है आरबीआई आंसर दे रहे हैं अरे जो धोखा धड़ी होती है है ना पेमेंट से रिलेटेड भुगतान से रिलेटेड इसको रोकने के लिए ठीक है तो आंसर आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा आर बताने की जरूरत आर के बारे में है नहीं क्योंकि डेली हम लोग ऑलरेडी आर के बारे में पढ़ते हैं ठीक है तो वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी अगर आप बात करोगे फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ये कब से कब तक तो मतलब ये किसके द्वारा मनाया गया है तो ये भी आर के द्वारा ही मनाया गया है कब से कब तक मनाया गया है तो तेरह से लेकर के सत्रह फरवरी तक ठीक है आपका अच्छा वित्तीय व्यवहार ही आपका बचाव है ये इसकी थीम है ठीक है अच्छा वित्तीय व्यवहार ही आपका बचाव है आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है कैंसर डे की अगर आप बात करोगे तो ये हम लोगों ने फोर्थ ऑफ फेब को पढ़ा था ठीक है वर्ष 2022, 2023, 2024 थीम दो हजार चौबीस थी एक ही है केयर गैप लेकिन इन्होंने इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे के बारे में पूछा है ये हम मनाते हैं 15 फरवरी को यानी फिफ्टीन ऑफ फेब को है ना पंद्रह फरवरी को आगे चलते हैं इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं किसको लेकर के सी फूड को लेकर के ठीक है तो सी फूड शो का आयोजन किया जा रहा है कब से कब तक तो पंद्रह से लेकर के सत्रह फरवरी तक पंद्रह से लेकर के सत्रह फरवरी तक सी फूड का मतलब क्या होता है तो जो समुद्री उत्पाद हैं समुद्र से मिलने वाले सारे उत्पाद है ना सी फूड समुद्री उत्पाद ठीक तो है तो कोलकाता है चेन्नई या बैंगलोर है या फिर अगर हम बात करें शिलोंग तो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा दिया था जब नहीं अनाउंस हुआ था उससे पहले ही आपको बता दिया था वेस्ट बंगाल, यानी कि जब हम बात करते हैं किसको लेकर के कोलकाता को लेकर के ठीक है समुद्र से मिलने वाले उत्पाद उन्हें को हम क्या कहते हैं उन्हें को हम सी फूड कहते हैं चलो एक क्वेश्चन और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को किस राज्य के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है जल जल अभियान है ना जन का मतलब क्या होता है लोक है ना जैसे मैं जैसे आप जल का मतलब क्या हो गया पानी हो गया तो कुल मिला करके पानी का महत्व हम लोगों को जो है वो बताने वाले हैं बस इतना याद रखिएगा ठीक है देखो इतने सारे रेड हार्ट क्या तुमसे आज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे ना तुम लोग हाँ एक बार थोड़ा सा रेड हार्ट थोड़ा सा दिखाई दो मेरे को भी थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए ना आज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे क्या माफ़ी चाहेंगे कल से चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से और बहुत शांति से चलें ठीक है जो लोग आतंक मचाते हैं उनको जवाब आप ही दे दिया करना ठीक है हम जवाब नहीं दिया करेंगे ठीक है हाँ भाई साहब सॉरी मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगी जिन जिन जिनको मैंने बोला है तो मैं सच में माफ़ी चाहूँगी दिल से माफ़ी चाहूँगी है ना सॉरी लेकिन एक होता है ना कि जब आप बहुत तैयारी के साथ आप आते हो और उसके बाद अगर क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स तंग करें तो दिक्कत तो होती है ना तो मेरे साथ भी वही दिक्कत है मुझे ये लगता है कि लाइक जितना मेरे से हो पाए मैं उतना आप लोगों के लिए कर पाऊँ लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर कुछ लोग आके खराब कर देते हैं ठीक है हाँ चलो आगे बढ़े बिल्कुल बस भाई बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए आपके सपोर्ट के लिए आपके साथ के लिए है ना और इतना प्यार आप दिखाते हैं तो उसके लिए दिल से धन्यवाद ठीक है देखो ध्यान से देखो हाँ देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन कह रहा है किस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को किस राज्य के सिरोही जिले के आबू रोड में जन जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है कुछ याद मत रखिएगा बस केवल इतना याद रखिएगा आप लोग कि ये जो सिरोही है बच्चा आई लव यू टू सच में इतने परेशान रहते हैं जिंदगी में इतनी टेंशन चलती रहती है लेकिन जब आप लोगों के सामने आते हैं ना तो सब भूल जाते हैं है ना फिर केवल आप और फिर केवल मैं ठीक है तो बस वही चीज है ठीक है आगे चले चलो तो आंसर आपका क्या बनेगा राजस्थान ना बिल्कुल ऑप्शन जितने लोगों का ए आया है बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आया अच्छा फटाफट से रिवीजन वाला पार्ट भी कर लो जैसे ये बस ये याद रखना कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है ब्रह्म संस्था और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका इसको जो है वो शुरू किया गया है ठीक है ब्रह्म कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय और जो लोग रिविजन वाला पार्ट नहीं करते बेटा ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप रिविजन वाले में पार्टिसिपेट नहीं करते आप भाग जाते हैं पहला क्वेश्चन है जरा आंसर करिएगा क्वेश्चन कह रहा है रियाना बरनावी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन में शामिल है तो ये कहाँ की है तो ये हो जाएंगी सऊदी अरब की आंसर आपका क्या बनेगा ए अगला क्वेश्चन है फरवरी दो में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज करी है तो लिथियम के सबसे ज़्यादा भंडार जो देखने को मिले हैं वो कहां पर मिले हैं तो ये मिले हैं जम्मू कश्मीर में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये किनको दिया है तो ये दिया है दत्तात्रेय नारायण अगर हम बात करें धर्माधिकारी को यानी ऑप्शन हमारा क्या बनेगा ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इॉन मॉर्गन इन्होंने सन्यास की बात कर दी और ये जो इॉन मॉर्गन है ये बिलोंग कहाँ से करते हैं तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से अच्छा देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सोलह से पच्चीस फरवरी तक किस शहर में दिव्य कला मेला का आयोजन करेगा तो दिव्य कला मेला इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा मुंबई में साथ ही में अगर आप बात करेंगे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड इस बार किसको मिला है हरियाणा पुलिस को ना हाँ सबसे पहले यूपी पुलिस को 2021 में हिमाचल को 2022 में असम को 2023 में किसको मिला है हरियाणा पुलिस को आगे चलते हैं फरवरी 2023 में ललिता लाजमी का निधन हो गया और ये कौन थी तो ये पेंटर थी यानी ये एक चित्रकार थी साथ ही में ऑस्ट्रेलिया का पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अब महान स्पिनर शेन वॉन के नाम से दिया जाएगा तो टेस्ट खिलाड़ी के रूप में पहला शेन वॉन पुरस्कार जो मिला है ये किनको मिला है उस्मान ख्वाजा को करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा ऑप्शन सी उस्मान ख्वाजा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ट्राइफेड के आदि महोत्सव और ये जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है ये कहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा दिल्ली में है ना कहाँ पर होगा दिल्ली में ग्रेस स्क्रीवेंस को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेंस में चुना गया है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं तो बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से हम पढ़ा चुके हैं आपको आगे चलते हैं चौथे आशियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है ये कहाँ पर तो ये हैदराबाद में साथ ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 है ना तो इसमें एक आईआईटी को सम्मानित किया गया है आप जरा नाम ढूंढ के आना कि किस आईआईटी को सम्मानित किया गया है तेरह से पंद्रह फरवरी तक दुबई में आयोजित किया गया है सीवर की हंड्रेड सफाई के लिए नमस्ते योजना तो ये याद रखिएगा कि इसको एक्सटेंड किया गया है और किसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है दरख्वास्त है कि आप चारों होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जो है वो देंगे और एक चीज़ आप लोगों को दिखानी है ठीक है हाँ जी आंसर आप सभी होमवर्क में कर दीजिएगा देखो मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ ये कल वाली क्लास है सिक्सटीन ऑफ फरवरी सोलह फरवरी स्टूडेंट खूब पार्टिसिपेट करते हैं मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि बेटे आप इसको एक्सप्लेन करना ये है प्रिय दर्शनी जानती नहीं हूँ पहचान नहीं है लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा स्टूडेंट है बात का था ठीक है कहीं से भी है लेकिन मेरा है देखो प्रिय दर्शनी है इसके अलावा प्रिय दर्शनी ने चारों को एक्सप्लेन किया ऑपरेशन गंगा मैम इंडिया जब यूक्रेन से भारतीयों को लाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को लाया गया था ऑपरेशन दे दोस्त हमने तुर्की की हेल्प के लिए जो है वो इसको शुरू किया है ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था सौरभ पांडे है ठीक है प्रियदर्शनी सौरभ पांडे श्रेया भारती हैं डॉली हर क्वेश्चन का आंसर करती हैं डॉली के अलावा जैसे दीक्षा हो जाएंगी ठीक है आशुतोष हैं मनीष हैं मनीष के अलावा जैसे मैं बात करूं अजय हैं अजय के अलावा उत्तम है विशाखा है इसके अलावा जैसे राजेश हैं शुभम है शुभम ने भी चीज़ों को डिटेल में लिखा ठीक है इसके अलावा जैसे आयुषी है आयुषी के अलावा बीट द स्पीड है जानवी है दिल ईशा ठीक है अंजलि हैं इसके अलावा जैसे आफिया है प्रेरणा है तनु भी हैं कमला है ठीक है साथ ही में अगर मैं बात करूँ शिवानशु है गौरव है शेरा है इसके अलावा जैसे चंदन है कुल मिला के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका आंसर आया मुझे अच्छा लगता है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं आप पार्टिसिपेट किया करें है ना जितना आप चीज़ों को लिख देते हैं उन चीज़ों को फिर आप भूलते नहीं हैं ठीक है होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो ये चार क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा ही कुछ था ठीक है थैंक यू सो मच संदीप सर की क्लास स्टार्ट हो गई होगी आप सभी संदीप सर के सेशन में पहुँच जाएँ ठीक है मुलाकात होगी आपसे कल सुबह सात बजे सेम टाइम सेम जगह आप सभी अपना ध्यान रखें हंसते रहें खिलखिलाते रहें ऐसे ही सीखते रहें मेरे साथ और पूरी एस वाला टीम के साथ थैंक यू सो मच बाय बाय